नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर पांडे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिस्टम के अंदर क्या क्या पार्ट्स लगते हैं और उनका क्या काम होता है, ये दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, और नए आए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि नई नई लेटेस्ट वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पार्ट्स है हमारे सिस्टम के अंदर जो लगता है, इसे आप लोग क्या कहते हो, बॉल कॉक कहते हो या फिर फ्रूट वाल, ये एक जैसा ही है, बॉल कॉक ही है, फ्रूट वाल जैसा ही है, पानी रोकने का काम करता है। तो दोस्तों इसमें एक ये बॉल सी लगती है, ये बॉल है इसकी, ये इस तरीके से एडजस्ट करा जाता है सिस्टम में, कहाँ पे देख के राइट लेफ्ट की तरफ से फिट करते वक्त इनको अलग से करा जाता है। एक तो इसका ये बॉल होता है दोस्तों, ये देखिए इधर से ये कसने का होता है, इस तरीके से खोल के जो वाशर है, मैं एक अंदर की तरफ से सिस्टम को और एक बाहर की तरफ से, इन दोनों वाशरों को ये देखिए, वो वाशर है एक ये इन दोनों को सिस्टम के दोनों तरफ से लगा के ऐसे लगा के ये कस दिया जाता है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से ये कस दिया जाएगा तो ये सेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये लग के, ये जब ये है देखिए, ये इसका ये एडजस्टेबल है, ये देखिए ये एडजस्ट करता है, ये खोल कम ज़्यादा कर सकते हैं हम इसमें, ये देखिए इस तरीके से। और ये जब यहाँ से पुश करेगा तो ऑटोमेटिक, जब ये चीज़ यहाँ पे पहुँचेगी तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों एक पार्ट ये हो गया, अब दूसरा पार्ट दिखाने चाहता हूँ। चलिए अब ये जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में ये सिस्टम का बटन है, ये देखिए दो नंबर में, ये देखिए इस तरीके से खुल जाता है, ये है ये देखिए। अब मैं बताता हूँ ये लगता कैसे, ये देखिए ये सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होगी, ये देखिए ये है, सबसे पहले इसे लगाना होता है हमें, ये देखिए ये है, यहाँ से बटन लगेगा, ये देखिए इस तरीके से खोल के हमें इसे खोल देना है, देखते रहिए, ये देखिए इस तरीके से खोल के इसे सिस्टम में फंसा देना और अंदर से इसमें ये नट कस देना है। जब ये नट के साथ ये फिट सिस्टम में आ जाएगा तो ये जो बटन है इसे इस तरीके से बाहर की तरफ से अंदर को करा जाएगा। ये देखिए इस तरीके से अंदर को होने के बाद में एक ही डंडी से आती है जो साइफन को उठाती है, ये देखिए इसे भी इसी में फिट कर लेना होता है, यहाँ से इस तरीके से फिट करना है इसे, ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए इस तरीके से फिट होता है। और इसमें एक प्लास्टिक का पेच आता है, पेच टाइप का आता है, उसे कस देना होता है, तो इस तरीके से कम सिस्टम में फिट हो जाता है। ये देखिए ये इस तरीके से काम करता है, खट ऊपर उठाएगा तो साइफन भी ऊपर को उठेगा और पानी सीधा फ्लैश से सीट में, देखिए इस तरीके से काम करता है। उल्टे में दिखाऊँ, ये बटन है, जैसे ये दबाएंगे नीचे को, ऊपर को करेंगे ऊपर को, यहाँ से पुश करेंगे ऊपर को, इस तरीके से करता है। चलिए अब मैं तीसरा पार्ट दिखाने चाह रहा हूँ, तो चलिए तीसरे पार्ट्स की बात करते। तीसरे पार्ट्स में ये साइफन होता है, ये देखिए इस तरीके का साइफन, ये काम करता है सिस्टम में पानी रोकने का और पानी छोड़ने का, जो सिस्टम से सीट तक जो पानी का आने जाने का रोकने बंद करने का, ये देखिए ये खुलता भी है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से है, लेफ्ट करा तो ये खुल गया, ये इसकी वाशर है और ये इसके लॉक है, ये देखिए ये खट जाके इसमें ऐसे करके इस तरीके से, इसे क्या है कभी सीट में हमें सिस्टम में ये रिपेयर करना भी पड़ सकता है। ये देखिए तो इस तरीके से नीचे से लगा हुआ रहता है ये नट, और दो वाशर होती है इसमें भी इस तरीके से, ये दो वाशर में इस तरीके से हमें इसे पकड़ के ऊपर से सिस्टम के अंदर से इसे फंसा के और नीचे की तरफ से ये वाशर लगा के ये कस देना होता है इसका कड़ा, देखिए इस तरीके से रबड़ ऊपर को करके इस तरीके से कस दिया जाता है। देखिए इस तरीके से कसने के बाद में आपकी रिपेयरिंग करनी हो कभी तो वो सही हो जाएगी इस तरीके से, कभी बदलना चाहो दोस्तों ये वाशर भी बदली जाती है इसकी, ये जो रबड़ है ये देखिए ये इस तरीके से खुलता है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये कुछ इस तरीके की रबड़ है, ये वो रबड़ है जो पूरा पानी को कंट्रोल करती है। ये फिर से हमें कभी अगर इसमें कमियाँ आ गई तो थोड़ा बहुत सिस्टम से लीकेज होता है सीट में, तो इसी रबड़ को हम बदल देंगे तो हमारा सिस्टम बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से निकाल के इस तरीके से फंसाना होता है इसे, ये देखिए मैं फंसा के दिखाता हूँ आपको,
देखिए ये इस तरीके से लग गया है, ये देखिए इस तरीके से ये होता है। और खुलने के बाद ये जो ऐसे है इस तरीके से रखा जाता है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ रख के, ये देखिए जो लॉक होता है इसका, ये देखिए ये इसे थोड़ा इस तरीके से घुमा देना होता है ताकि ये थोड़ा इधर को अंदर फंस जाता है। ये देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये थे मेरे सिस्टम के 3 पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, और नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि नए नए लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हम नई वीडियो भेजेंगे तो आप तक टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के थ्रू मैसेज आके आपको पता चल जाएगा कि हमारी वीडियो आ चुकी है। तो दोस्तों अगर ज़्यादा अच्छी